मैं हूं गुड्डू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 का रिव्यू, अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग लेकर आया हूं। आइए बात करते हैं पहले इसके फ़ोन के फीचर्स की, एक्सटर्नल फीचर्स की। सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 जो कि इस फ़ोन में कंपनी ने 3GB का रैम दिया है, 1.6GHz की ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो काफ़ी स्पीड होती है, सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है 5.5 इंच की, ठीक है। फ्रंट LED फ्लैश दी हुई कंपनी ने इसमें, ठीक है। और 4G की सपोर्टेबल सिम है, दोनों सिम में आप 4G चला सकते हैं लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही फ़ोन 4G सपोर्ट करेगा, ओके। और आपका यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 5.5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 3GB की रैम है और इंटरनल स्टोरेज आप 16GB तक इसको दी हुई है कंपनी ने, और डुअल सिम है, HD कार्ड भी लगा सकते हैं अप टू 128GB तक का HD कार्ड लगा सकते हैं, 3300mAh की यहाँ पर mAh की बैटरी है, ठीक है, 3300mAh की बैटरी जो काफ़ी अच्छी है। आइए तो इस फ़ोन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। और कंपनी ने यहाँ पर सैमसंग का ये 32GB का मेमोरी कार्ड भी आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिलता है, तो आप इसको अंदर में इन्वोल्ड कर सकते हैं। 32GB की मेमोरी कार्ड है यहाँ पर, इसके साथ में आपको ओवर पे मिलता है। तो आइए इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस फ़ोन में। सैमसंग का गैलेक्सी जो यहाँ पर देखिए, पहले आइए इसके देख लेते हैं कि एक्सेसरीज में क्या क्या कंपनी ने दी है। ये सब वारंटी कार्ड, मैनुअल बुक है, आपको यहाँ पर चार्जर कम डेटा केबल यहाँ पर है, एक चार्जर कम डेटा केबल है जो सैमसंग के सही फ़ोन में रहता है। ये हेडफोन है, इसको आप जिस तरह से सब फ़ोन में रहता है उसी तरह का हेडफोन है, और ये एक चार्जर है, इसमें आप केबल के साथ अटैच करके चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आइए फोन के बारे में देखते हैं फोन में क्या क्या है। फोन को स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है। अब सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, 5.5 इंच की ये फोटो स्क्रीन है। सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर दो सेंसर लाइट सेंसर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका फ्रंट फ्लैश है 5.5 इंच की, यहाँ पर 5.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ये फिजिकल होम की यहाँ पर है इस तरह से सैमसंग का होता है, और ये आपका होम की है, ये बैक की है, ये आपका लॉक अनलॉक की है यहाँ पर, ठीक है। और ये वॉल्यूम अप डाउन की, यहाँ पर चार्जर की हेडफोन स्लॉट है 3.5mm की, यहाँ पर चार्जर स्लॉट है, यहाँ पर माइक है, ओके। यहाँ पर आपको देखिए 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, ये स्पीकर्स है, और ये बैक फ्लैश है। यहाँ पर 4G का आपका एक स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पर सैमसंग का लोगो, तो इस तरह का डिज़ाइन किया है फ़ोन कंपनी ने, और एक डिज़ाइन में यहाँ पर चेंज किया है सैमसंग ने, ये जैसे कि सुपर एमोल सॉरी माफ़ करिएगा जैसे कि फुल मेटालिक मेटेलिक बॉडी रहता है, जैसे कि इस जगह पर जो कि झड़ने का गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, इस जगह पर देखिए आप पूरा ये पूरा फुल मेटालिक मेटेलिक बॉडी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये फुल मेटेलिक बॉडी नहीं है यहाँ पर, ये चेंजेस है, तो इसका झड़ने का ये रंग गिरने का चांसेस कम हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा ये इस फ़ोन के साथ में। आइए अब इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर ऑटो, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सैमसंग ने ऑटो मोड दिया हुआ है, अपने लाइट को ऑटो कंट्रोल हो सकता है यहाँ पर, आप फोटो मोड क्लिक करिएगा या ऑटो एडजस्ट कर लेगा अपने लाइट को, तो ये गैलेक्सी का और जे सीरीज में इस तरह का फोटो नहीं, यहाँ पर आउटडोर दिया रहता है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। नोटिफिकेशन में आपको वाईफाई यहाँ पर मिल रहा है, वाईफाई टॉच है यहाँ पर, यहाँ से आप मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन, अल्ट्रा डेटा स्विंग मोड, मोबाइल डाटा, ये सब फीचर्स हैं यहाँ पर। एस बाइक मोड है, एस फाइंडर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आपकी सैमसंग ने यहाँ पर NFC मोड दिया हुआ है, जो मोबाइल टू मोबाइल टच करके आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने डाटा को वगैरह को, तो ये इस फ़ोन में फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, काफ़ी इम्प्रेसिव लुक है इस फ़ोन का। और बात करते हैं 3GB की रैम है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आइए और इस फ़ोन के बारे में देखते हैं और इसके फीचर्स की बात करें, मैं आपको इसके इंटरनल दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से डिस्प्ले यहाँ पर बढ़ रहा था। तो आइए इसकी देखते हैं आपको स्मार्ट मैनेजर में चल के क्या क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर रैम आपका 51% यूज़ है,
और 1.3 GB फ्री है, यानी कि आधा यूज़ की 1.3% यूज़ कर रही है, फ़ोन यूज़ कर रहा है और 1.3% फ्री है। टोटल 3 GB यहाँ पर है इंक्लूडिंग 219 MB रिजर्व, रिजर्व करके रखा है इंक्लूडिंग 209 MB, जो 3 GB में आपको नहीं मिलेगा वो ये सिस्टम अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1.3 GB फ्री है, तो मैंने कुछ ऐप्स इसमें डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 3 GB यहाँ पर रैम आपको दिखा रहा है कि 3 GB यहाँ पर रैम है। ठीक है, और ये कि स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर 49 टोटल 16 GB की स्टोरेज है, यहाँ पर 16 GB की ये सिस्टम यूज़ करके रखा हुआ। देखिए यहाँ पर सिस्टम यूज़र डाटा 7.8 GB, ये सिस्टम यूज़ करके रखा है, 811 GB फ्री है, यानी कि आपको 16 GB में ये 7.8 GB तो सिस्टम ने लेकर रखा हुआ है। ठीक है, मैं और आपको दिखाता हूँ इसकी बैटरी रिमाइनिंग सेविंग पावर जो है आपकी 3000 mAh की बैटरी है, तो ये 69% ये डिवाइस अभी चार्ज है। ठीक है, तो आप अगर पावर सेविंग मोड में चलाते हैं तो ये 19 hours 17 minutes रिमाइनिंग अभी टाइम दिखा रहा है कि चल सकता है, और अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड में ये 15 hours और 58 minutes रिमाइनिंग और चल सकता है ये डिवाइस फिलहाल अभी। ठीक है, और मैं आपको बात करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट अबाउट डिवाइस में क्या क्या है। डाउनलोड आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन जो आएगा यहाँ पर आप क्लिक करके इसको मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मॉडल नंबर दिया हुआ है आप इसका। एंड्रॉयड वर्जन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में क्या दिखा रहा है। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर 6.0.1 मार्शमेलो पर ये फ़ोन रन कर रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये देखिए मार्शमेलो पर फ़ोन रन कर रहा है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है अभी, तो ये मार्शमेलो ही इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं कर्नल वर्जन है, बिल्ड नंबर है, बिल्ड नंबर में 7 times क्लिक करके आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। आप आपको सिर्फ 7 बार क्लिक करना रहता है तो आप इसको कर सकते हैं, ये सैमसंग पे एक अवेलेबल है। और बैटरी इन्फो में आप आ सकते हैं तो कुछ खासा है नहीं, और आपको दिखाएं इस बोर्ड स्मूथली काफ़ी वर्क कर रहा है फ़ोन। ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा है, आपको मैं वीडियो रन करके दिखाता हूँ, कैमरा टेस्ट में कर लेता हूँ पहले किस तरह से कैमरा उसका फ़ोन का वर्क कर रहा है। कैमरा टेस्ट की बात करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका कैमरा वर्क कर रहा है। ये मैं फ्लैश पे डालता हूँ, देखिए 13 MP का ये कैमरा आपका ये पिक्चर आई है, ये काफ़ी डिटेल्स काफ़ी अच्छी तरह से पता चल रहा है, देख सकते हैं जिस तरह से आप ये काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल्स आ रहा है। कैमरा क्वालिटी बहुत शानदार है जिस तरह से सैमसंग के डिवाइस में रहता है, इसका मैं अभी डिटेल्स लेकर देखता हूँ किस तरह की क्वालिटी है। जैसे 3.58 MB की ये फोटो क्लिक की है कैमरा ने, 4128x3069 रेजोल्यूशन है, तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। ठीक है, फ्लैशिंग भी बहुत अच्छी दे रही है फ़ोन, इस तरह से सैमसंग के फ़ोन में होता है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मैक्स प्लेयर से मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं, तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो किस तरह से HD वीडियो चलती है। ठीक है, साउंड भी काफ़ी अच्छा है, साउंड भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी का साउंड है, और ये वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसकी स्पीड भी बहुत स्पीड भी काफ़ी शानदार, बहुत अच्छी स्पीड दे रही है इस फ़ोन के साथ। मैंने जैसे कि यहाँ पर देखो माई जियो में जाके जियो प्रीव्यू ऑफर लेकर रखा हो, तो आप इससे जियो के सिम भी ले सकते हैं, ये प्रीव्यू ऑफर यहाँ से अवेलेबल हो जाता है इस फ़ोन के साथ, तो आप उसे ये जियो के प्रीव्यू ऑफर भी ले सकते हैं जो अनलिमिटेड अभी आता है। ठीक है, और ये मेरा सजेशन यही रहेगा कि फ़ोन काफ़ी अच्छी है, आप ले सकते हैं इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में, और आप सैमसंग के सिवा और को भी ब्रांड है जैसे सोनी वगैरह का फ़ोन अगर लेते हैं तो आपको इसके लिए अगर C4, C5, C3 जो भी अच्छे फ़ोन है सैमसंग में मोटोरोला में, तो कॉस्ट आपको काफ़ी अच्छा पड़ जाता है, लेकिन ये आपको इस तरह से फीचर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। ठीक है, बैटरी की बात करूँ तो 3000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन पे, जो काफ़ी अच्छी चलती है सैमसंग की। मैंने और सी भी फ़ोन डिवाइस यूज़ किया है, जैसे कि मैंने सोनी का एक्सपीरियंस C3 यूज़ किया है, मोटोरोला 3rd generation यूज़ किया है, तो बैटरी के मुकाबला में मुझको सैमसंग से अच्छा कोई ब्रांड लगता नहीं। मैं आपको बैटरी खोल के दिखाता हूँ इसका किस तरह से इसका बैटरी है, तो ये देख सकते हैं ये बैटरी आपको बहुत लंबी बैटरी दी हुई है। मैं इसको अभी डिवाइस को ऑफ करके बैटरी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एस बाइक मोड है जो आप इनेबल कर सकते हैं इसको स्विच ऑफ करके। ये देखिए बैटरी है जो आप सैमसंग ने आपको ये 3300 mAh की बैटरी यहाँ पर अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी बैटरी है, देख के ही लग रहा होगा आपको काफ़ी बड़ी बैटरी है और काफ़ी अच्छी बैटरी है, तो ये बैटरी के मामला में तो सैमसंग का जवाब ही नहीं है।
तो बहुत अच्छी चल रही है बैटरी। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सेपरेटेड स्लॉट है, आप यहाँ पर सिम वन लगा सकते हैं, सिम टू लगा सकते हैं। और सैमसंग के 32 GB का चिप जो मुझको ऑफर के साथ मिला हुआ था फ्लिपकार्ट के, वो मैंने यहाँ पर डाल कर रखा हुआ है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग स्लॉट है एक साथ में, जैसे कि ए सीरीज में है उस तरह से नहीं है कि आप सिम एक यूज़ कर रहे हैं तो आप चिप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये सेपरेटेड स्लॉट है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी फ़ोन की। और मगर मैं सजेशन तो मुझसे अगर मैं सजेशन लेते हैं आप, तो मैं यही बताऊंगा कि आप ये फ़ोन लें, अगर आपकी रेंज 15,000 तक है तो आप ये इससे बेहतरीन फ़ोन 15,000 में है अवेलेबल नहीं है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल और सुझाव मुझे कमेंट में लिखें, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।